चिंटू देखो कौन आया है। हाँ पापा देख रहा हूँ। बेटा अपने पापा से कहो डीलर साहब आए हैं। पापा डीलर साहब आए हैं। आइए आइए। हाँ हाँ वैसे बैठने को किसने कहा? वो हर एक मेहमान आता है तो बैठता है, कोई बात नहीं हम खड़े हो जाते हैं। पापा इनको बिठा लो वरना खड़े खड़े मर जाएंगे। अरे नहीं 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 अच्छा चलो बैठ जाओ। हाँ 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 और सब ठीक है? तो ठीक नहीं होंगे। अरे नहीं 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 ऐसी बातें क्यों कर रहे? ये भाभी जी अभी तक नहीं आई चाय पानी में? चाय पानी नहीं देंगे? नहीं हम अजनबियों को कुछ नहीं देते। अरे नहीं नहीं हम अजनबी कहाँ हैं, हम तो डीलर साहब हैं। डीलर हो चाहे अजनबी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको कुछ नहीं देंगे। अच्छा तो चाय पानी नहीं तो बिस्किट ही दे दीजिए। नहीं कुछ नहीं है। किचन तो भरा भरा लग रहा है, सब डिब्बों में कुत्ते के बिस्किट ही रखे हैं, खाओगे? अरे 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 अच्छा मजाक कर लेते हैं। नहीं हमारे घर में सब कुत्ते के बिस्किट ही खाते हैं। अरे अच्छा चलिए बिस्किट नहीं सही तो काजू बादाम कुछ ना कुछ तो हो गई। अरे नहीं नहीं अंकल हमें शुरू से कुत्ते के बिस्किट पसंद है। खाना बड़ा मांग रहे हैं, घर से खा के नहीं आए? देखिए जो भी हमारे घर में आता है खाना खाने के लिए नहीं सिर्फ अपना काम करने के लिए आता है। किस काम के लिए आए वैसे? जी हम आपके लिए 10 लाख रुपए की डील लेकर आए हैं जो कि हम फाड़ रहे हैं। अरे यार अरे देखिए हमसे जितनी बेइज्जती सहन हो वाली हमने कर ली, अब आप लोग खाइए कुत्ते का बिस्किट, हम कर लेते हैं।